नमस्कार टू ऑल द एस्पिरेंट्स, जय हिंद। माय नेम इज प्रतीक, वेलकम यू ऑल टू एसएस विद्या एग्जाम्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में जो भी हमारे टॉप 20, हमारे जो इंटरनेशनल न्यूज जो हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मैं यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे बोलना पसंद करूंगा। आपको अगर एसएसबी इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको पता होना चाहिए, हर महीने हमारा इंटरव्यू कोर्स हमारा एक तरीके से निकलता है एसएसबी के रिगार्डिंग। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिलेगा, और इसी के साथ आपकी जो तैयारी है उसमें आपको बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। तो आइए हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। तो यहां पर इसे देख सकते हो, ये आपका जो पूरा जो आपका मंथ था बेटा, ये आपका पूरा नोबल आपका अवार्ड से आपका पूरा घिरा हुआ था। तो किन किन को क्या क्या अवार्ड दिया गया है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फिजिक्स के अगर हम फील्ड में देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस से बिलोंग रखते हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो यूएस के हैं, और जो एंटन जेलिंगर है जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग रखते हैं, इनको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो ये बहुत ही आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आपके हो गए हैं, एक बहुत ही एटॉमिक लेवल पे आपकी इसकी स्टडी होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को जाना जाता है, और एक तरीके से हम इसके थ्रू हम यूनिवर्स के बारे में कई सारे एक तरीके से जो हमारे अनसॉल्व हिस्ट्री है, मिस्ट्रीज है, उसके बारे में भी हम एक तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से बहुत अच्छा अवार्ड है, और यहाँ पे एक तरीके से इनको कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया क्वांटम मैकेनिक्स में उसी के फील्ड में इनको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बेटा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, बेटा अगर देखा जाए तो आपके जो स्वीडिश के जो आपके जेनेटिस्ट है जिनका नाम है स्वांते पाबो, जो आपके स्वीडन के है बेटा, उनको यहाँ पे दिया गया है आपका फिजियोलॉजी का अवार्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज है, क्योंकि इनको जिस फील्ड में दिया गया है ये थोड़ा आपका बड़ा ही रोचक है। इन्होंने यहाँ पे बेटा क्या किया है, हमारा जो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ है एज अ ह्यूमन, फ्रॉम अगर देखा जाए नियांडरथल से, जो हमारे आपके एक एंशियंट हमारे जो ह्यूमन स्पीशीज हुआ करते थे, उनसे हमारा इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, किन तरीकों से हुआ है, बड़ा ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्वांते पाबू जी ने इसको एक तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये कोई आसान आपका ये वो बात नहीं कि इजीली आपने यहाँ पे इसको कर लिया, बहुत ही टफ काम है, और एक तरीके से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आप यहाँ पे कह सकते हो बहुत ही ज्यादा सलाम है इनको। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए इनको यहाँ पे बेटा फिजियोलॉजी में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए बेटा केमिस्ट्री की फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, कैरिन को यहाँ पे दिया गया है जो यूएस से बिलोंग रखते हैं, मॉर्टन मेडल को यहाँ पे दिया गया जो आपके डेनमार्क से बेटा बिलोंग रखते हैं, के बैरी शार्पलेस को यहाँ पे दिया गया जो आपके यूएस से आपके बिलोंग रखते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्लिक केमिस्ट्री में यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से नोबेल पुरस्कार जीता हुआ है। अब क्लिक केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही आसान भाषा में बोला जाए तो आपको इसे पता कि आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम नॉर्मल जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बड़ा ही आपको बड़ा लगता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आपके रिएक्शंस होते हैं, और एक तरीके से वैसा आपको रिजल्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्लिक केमिस्ट्री आपका क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। क्या है आपका, ये बड़े से बड़े एंजाइम को, बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स एंजाइम को भी आपका जो क्लिक केमिस्ट्री का आपका जो सब्जेक्ट है इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको बॉन्ड कर सकते हैं, इनको मिला सकते हैं, और ये आपका जितनी भी आपकी जो बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गई है, आपके ट्यूमर्स वगैरह हो गए, उसके लिए एज अ सोल्यूशन क्लिक केमिस्ट्री आपका एक साबित हो सकता है, एक इसका ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्लिक केमिस्ट्री से हम बड़े बड़े एंजाइम्स को, कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम्स को भी हम एक तरीके से मिलाने का काम कर सकते हैं, और ये आपको पता ही है ये केमिस्ट्री में आपको दवाई बनाने में और बड़े बड़े एक तरीके से जैसे कैंसर वगैरह इसको लिए एक सोल्यूशन आपके साबित हो सकता है। देख सकते हैं इसमें क्या है, और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए इनको ये आपके फील्ड में दिया गया है। आपको शार्पलेस जी के बारे में पता होना चाहिए, इनको पहले भी आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2001 में, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बेटा बात करें लिटरेचर के फील्ड में किसको दिया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो फ्रेंच राइटर है जिनका नाम है एनी एर्नॉक्स जी, इनको यहाँ पे दिया गया है। ये बहुत ही बेबाक और बहुत ही बिंदास तरीके से ये आपके जेंडर इशूज, सोशल इशूज, और जितने भी आपके जो सामाजिक मुद्दे हैं, क्लास इशू के रिगार्डिंग, सारे बेबाक तरीके से आपका ये लिखती है, और इसी ब्रेवनेस के लिए, करेजियस के बिहेवियर के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपके तीन अमेरिकन को यहाँ पे दिया गया है, बेन बेरनाके, डगलस डायमंड और फिलिप आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इनको किस मुद्दे के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे इन्होंने बेटा क्या किया है, ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जब भी हमारे दुनिया में कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कभी भी इकोनॉमिकल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, इकोनॉमिकल एक तरीके से आपको डिप्राइव आपको देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि कोविड सिचुएशन आपका आ गया, तो फाइनेंशियली हमें कितना एक तरीके से डिसहार्म हमें देखने को मिला। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन ना पैदा हो और एक तरीके से
बैंक्स कैसे काम कर सकती है, अपना रोल कैसे निभा सकती है इन सारे सिचुएशन को हटाने के लिए, इसी के कंट्रीब्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हो इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम सिंपल है कि ये एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम में इन्होंने बहुत सुधार की है, कई अपडेट से इन्होंने लाया हुआ है और इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे क्या है इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, बैंकिंग सिस्टम में सुधार की सही में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलते हैं दुनिया भर में तो बैंक का एक अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया है। पीस की फील्ड में अगर देखा जाए तो एलिस बियास्की को यहाँ पे दिया गया जो बेलारूस से बिलोंग रखते हैं, आपका रशियन जो आपका ह्यूमन राइट आपका ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम मेमोरियल उसको यहाँ पे दिया गया है, और जो आपका यूक्रेन आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज है इनको यहाँ पे पीस के फील्ड में दिया गया। एक एक करके तीनों के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बेलारूस में अगर आप देखोगे तो आपका 94 से आपके एक आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, लुकाशेंको आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तब से लेकर अभी तक आपके प्रेसिडेंट बने हुए। ठीक है, तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है और ह्यूमन राइट मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये इनका पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एलिस बियास्की है ये ह्यूमन राइट एक तरीके से आप कह सकते हो एडवोकेट है और ये डेमोक्रेसी की यहाँ पे बातें करते हैं और इसी के बयान पे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता ना होना चाहिए ये अभी भी आपकी जेल में है। ठीक है ना, तो ये तो आपका चीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं को यहाँ पे दिया गया है पीस के फील्ड में अवार्ड दिया गया है। दो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे दिया गया है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो आपका रूस का आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है मेमोरियल, जो भी डेमोक्रेसी आपका रशिया में एक तरीके से बढ़ाना चाहता है, लोगों तक अवेयर करवाना चाहता है, इनको भी यहाँ पे पीस का एक तरीके से अवार्ड दिया गया है। सेम गोज फॉर द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो आपका यूक्रेन आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो डेमोक्रेसी की आपकी बातें करता है और लोगों तक पहुंचाना चाहता है, इसको भी यहां पे अवार्ड दिया गया है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी, इसके रिगार्डिंग मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट यहां पे फुटबॉल की यहां पे बात करते हैं, तो फुटबॉल को जो सबसे प्रचलित आपका जो अवार्ड है बैलेंडोर अवार्ड आपका 2022 का, वो आपके करीम बेंजेमा जी को यहां पे दिया गया है जो आपके एक फ्रेंच फुटबॉलर है, रियल मैड्रिड के लिए भी आपके प्रीमियर के लिए आपके खेलते हैं, इनको यहाँ पे मैन की कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है। रिगार्डिंग आप देखोगे गोल्डन बॉल अवार्ड इनको यहाँ पे दिया गया है, और ये आपके देखोगे तो अभी तक आपका लायनेल मेसी और आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अभी तक आपको देखने को मिलता होगा, आपका ये आपका अवार्ड देखने को मिलता होगा, बट ये आपका परंपरा टूट गया है, अब आपका करीम बेंजिमा जी को यहाँ पे दिया हुआ है, और ये इसी के साथ आपके फिफ्थ फ्रेंचमैन भी आपके बन गए जिन्होंने आपका प्राइज जीता हुआ है। अगर आपसे बेटा सवाल पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीता हुआ है बैलेंडोर का, तो आपको पता होना चाहिए लायनेल मेसी ने जीता, जो आपका अर्जेंटीना की खिलाड़ी है, इन्होंने लगभग 7 आपके मेडल जीते हैं, मतलब एक सॉरी आपके अवार्ड जीते हुए हैं, और आपका जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसने आपके 5 आपके बैलेंडोर आपके जीते हुए हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा बैलेंडोर अवार्ड की अगर बात करें तो ये आपका जो फ्रेंच मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, ये आपका 1956 से ही आपका एक तरीके से आपका एक बैलेंडोर अवार्ड आपका दिया करता है, आपका तभी का आपके पूरे आपका ये कह सकते हो आपका मैगजीन है। और यहाँ पे अगर आप बात करो तो वुमेन के कैटेगरी में भी आपका आपका बैलेंडर अवार्ड दिया जाता है, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2022 का किसने वुमेन ने यहाँ पे जीता है तो एलेक्सिया पुटलिस ने यहाँ पे जीता हुआ है, आपके स्पेनिश प्लेयर है और ये इनका दूसरी बार इन्होंने ये बैलेंडर अवार्ड जीता हुआ है, तो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट खबर है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग आपका जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, ऋषि सुनाक जी आपके यूके के पहले नॉन व्हाइट आपके प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिले, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कलर्ड प्राइम मिनिस्टर मतलब ये आपके व्हाइट नहीं, ऑब्वियस की बात है, और इनका जो बिलोंगिंग है वो इंडिया से है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाया कि आपके यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी आपके यूके के बन गए, 42 ईयर्स की इनकी एज है, बहुत ही कम एज है, और ये एक तरीके से माइलस्टोन यहाँ पे साबित आपका होने वाला है। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, मिस ट्रस्ट जी जो आपकी थी ये एक्चुअली आपकी प्राइम मिनिस्टर आपकी बनी थी, आपको पता होना चाहिए 6 सितंबर में बनी थी, बट इन्होंने अक्टूबर 20 में एक तरीके से इन्होंने क्या कहते हैं रेजिग्नेशन अपना दे दिया था, और इसी के साथ ही आपकी शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी यूके के इतिहास में आपकी बन गई, 45 दिन का इनका पूरा सफर था, बट यहाँ पे इनको आप देख सकते हो इन्होंने कई सारे जो टैक्सेशन पॉलिसीज लाए थे, टैक्स के रिगार्डिंग इन्होंने जो भी फैसले लिए थे वो एक तरीके से आप कह सकते हो गलत साबित हो गए, ऋषि सुनाक जी ने भी एक तरीके से इनको हिंट किया था कि आप जो टैक्सेशन के रिगार्डिंग जो भी आप पॉलिसीज ला रहे हो, आप अमीरों से जो भी आप इनके जो टैक्स वगैरह माफ कर रहे हो और आप ये उम्मीद रखें कि वो आप एक तरीके से जो गरीबों की वो मदद करेंगे, बट ऐसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं, बहुत ही ज्यादा फेलियर रिगार्डिंग हमें देखने को मिला लिस्टर्स के इकोनॉमिकल पॉलिसी में, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और जो कंजर्वेटिव पार्टी जिनके दोनों आपके बिलोंग रखते हैं वो लोग भी एक तरीके से परेशान हो गए थे प्रेशर में आकर, जो इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए थे उसके रिगार्डिंग फिर इन्होंने 20 अक्टूबर को एक तरह से रिजाइन कर दिया था। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इन्होंने जॉर्ज केनेडी का रिकॉर्ड तोड़ा है जो आपके 119 दिन तक आपके क्या रहे थे आपके यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ऋषि सुनाक जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं,
ये आपके यूके में ही बॉर्न हुए थे, भले ही इनका इंडिया से लिंक है, बट आपके साउथहैम्पटन आपके यूनाइटेड किंगडम में आपके बॉर्न हुए थे। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ये पंजाबी थे और ये आपके फिर केनिया में जाके रहे थे, बट केनिया में हमें पता बड़ा इंटरेस्ट हमें देखने को मिला था, इंडिया में डिक्टेटरशिप हमें वहां पे देखने को मिला, तो वहां पे फिर आप देख सकते हो जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो इनकी पूरी बिलोंगिंग थी, वो फिर केनिया से शिफ्ट होकर फिर यूके आ गए थे। ये बहुत ही आपके पास अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं इन्होंने, अगर आप देखोगे इन्होंने पॉलिटिक्स फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है, और इन्होंने अपनी जो एमबीए वो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। आपके एक तरीके से फंडिंग मैनेजर थे, मतलब इनको बैंकिंग की भी अच्छी खासी जानकारी है। ग्रीन कार्ड में इन्होंने यूएस में काम किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि आपके थोड़े बिलियनियर किस्म की आप कह सकते हो इनको, मतलब इनकी जो बीवी भी है वो है आपके इंफोसिस की, जो आपको पता है जो आपकी मालिक है उन्हीं की बेटी अक्षता मूर्ति जी है, वो इनकी बीवी है, और एक तरीके से इन पे कई सारे टैक्स एविएशन के भी आरोप लगते हैं इनकी वाइफ पे, ठीक है, वो बहरहाल अलग बात है, बट आसान इनके लिए नहीं होगा। रेसिज्म एक तरीके से अभी से इनको झेलना पड़ रहा है, बट आई होप कि आगे जाके जो भी चैलेंज होंगे वो एक तरीके से डट के ये सामना करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक तरीके से देखने को मिल रहा है, आपको इटली में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिला, आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है, इनका नाम है जॉर्जिया मिलोना जी, और ये आपकी पहली इटली की आपकी महिला प्रधानमंत्री आपको देखने को मिली है, 31st प्राइम मिनिस्टर, और 22 अक्टूबर में इन्होंने शपथ ली है। इलेक्शन तो वैसे सितंबर में इन्होंने जीत दिया था, बट शपथ इन्होंने हाल ही में 22 अक्टूबर को यहाँ पे लिया हुआ है। अगर बेटा आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये किस पार्टी से बिलोंग रखती है, तो ये आपकी राइट विंग पार्टी जो इटली की है जिसका नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, उससे ही आपकी बिलोंग रखती है। थोड़ा सा हम इटली के बारे में बेटा समझ लेते हैं, इसका जो कैपिटल है बेटा है वो रोम है, रोम आपका जो शहर है आपके टीबर नदी में आपका बसा हुआ है, यहाँ के जो करेंसी बेटा वो यूरो है, और यहाँ के जो अभी के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सर्जियो मैटरेला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखोगे स्वीडन के भी हमें एक नए प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं, इनका नाम है उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है, ये एक आपके कंजर्वेटिव मॉडरेट आपके लीडर है, और इन्हीं को हाल ही में आपका एक तरीके से स्वीडन का नया प्रधानमंत्री यहाँ पे घोषित कर दिया गया, ठीक है, लगभग अगर देखा जाए अगर आप बोलो तो यहाँ पे लगभग वन आपका जो एक तरीके से वोटिंग इनकी हुई थी, आपको पार्लियामेंट में जो इनकी वोटिंग हुई थी, पार्लियामेंट का जो स्वीडन का नाम है आपको पता होना, इसका नाम है रिक्सडग, ठीक है, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, वैसे स्वीडन का आपको एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है रिक्सडग, ठीक है। 176 मेंबर जो आपके जो रिक्सडग के थे इन्होंने क्रिस्टेंसन के फेवर में वोट दिया था, और 173 ने इनके अपोज में वोट दिया था, बट बहरहाल टफ कॉम्पिटिशन था, और आपके जो उल्फ क्रिस्टेंसन जी है ये आपके स्वीडन के नए प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे आते हैं नेक्स्ट खबर में, शी जिनपिंग जी आपको पता होना चाहिए आपके चाइना के आपके प्रेसिडेंट है, ये वापस से आपके थर्ड टर्म के लिए आपके चुने गए हैं, अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पे, इनको एक तरीके से जनरल सेक्रेटरी एक तरीके से इनको बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और ये आपके एक तरीके से फर्स्ट लीडर आपके बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के, जो एक तरीके से माओ ज़ेडुंग के बाद अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान आपको देखने को मिल रहा है वो आपके शी जिनपिंग जी है, थर्ड टर्म आप देख सकते हो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो माओ ज़ेडुंग जी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट चाइना पार्टी, ठीक, चाइनीज पार्टी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो आपका जो कम्युनिस्ट आपका जो पार्टी है चाइना का, ये आपका एक पॉलिटिकल सिस्टम में आपका पूरा काम करता है, मतलब यहाँ पे आपको स्टैंडिंग कमेटी आपको देखने को मिलेगी जो आपके 7 मेंबर्स का आपका पूरा है, फिर आपको पॉलिटिकल ब्यूरो देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड कमेटी आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपका पूरा एक सिस्टम मैकेनिज्म होता है, और ये आपको क्या करता है आपका जो जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, खासकर जो आपका 7 मेंबर का पूरा स्टैंडिंग कमेटी है ये क्या करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो भी आपका जनरल सेक्रेटरी होता है उसको यहाँ पे अपॉइंट करता है, तो एक बहुत ही पावरफुल आपकी बॉडी है, बट इसी के साथ ये आपका शी जिनपिंग जी आपके बन गए जनरल सेक्रेटरी आपके बन गए हैं, और एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक तरीके से आप पावरफुल आपके वन ऑफ द व्यक्ति आपके वर्ल्ड के बन गए, क्योंकि आप इनके पास मिलिट्री पावर भी है, ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल पावर भी इन्होंने अपने हाथ में पूरा अब रखा हुआ है, तो ठीक है इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग आपकी बात है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि एक तरीके से आपको इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी पूछा जाए आपको बिल्कुल हर चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2012-13 में आप देख सकते हो एक तरीके से आपके अपॉइंट हुए थे, 10 साल के इन्होंने अपना पूरा टर्म कर लिया है। चाइना की रिगार्डिंग बात कर ले, कैपिटल इसका बीजिंग है, और करेंसी यहाँ पे रेंड में भी है, आप कभी आपसे युआन बोला जाएगा ऑप्शन में कुछ भी अगर आएगा तो आपको रेंड में भी आपको पता होना चाहिए, यह आपका सही है, ऑफिशियल लैंग्वेज आपका चाइना का मैंडरिन है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट खबर में आते हैं, हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको एफएटीएफ के नाम से नवाजा जाता है, इन्होंने हाल ही में म्यांमार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से 4 साल बाद हटा दिया है, ठीक है। तो म्यांमार की अगर हम बात करें तो ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि इनको ड्यू डिलीजेंस में यहाँ पे ट्रांजेक्शन के फेवर में यहाँ पे इनको म्यांमार को रखा हुआ है। तो अगर आप एफएटीएफ की बात करो, इसका फुल फॉर्म आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक किस्म का वॉच डॉग है जो ये मेक श्योर करता है कि हर कंट्री एक किस्म से मनी लॉन्ड्रिंग
या फिर जो टेरेस फंडिंग होती है, हर कंट्री की जो सरकार है वो इसको हटाने के लिए काम कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है? जैसे आपका पाकिस्तान को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में रखा गया था, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार टेरेस फंडिंग के रिगार्डिंग कोई भी काम नहीं कर रही थी, सरकार वहां पे बिल्कुल इसमें पिछड़ रही थी, और मनी लॉन्ड्रिंग में भी एक तरीके से वो कोई काम नहीं कर रही थी। और ये अगर कोई भी कंट्री, अगर ऐसा कोई सरकार ऐसी काम करती है, तो एफएटीएफ उसको क्या करता है, उसको एक तरीके से सुपरवाइज करके फिर क्या करता है, उसको लिस्ट में डाल देता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब बात करते हैं म्यांमार को ऐसा क्यों किया गया है। तो म्यांमार ने अगर देखा जाए तो 2020 फरवरी में बोला था कि हम इसकी रिगार्डिंग काम करेंगे, और हम एक तरीके से यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रेटेजी का एक तरीके से हम कमिटमेंट वगैरह हम करेंगे, हम मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इसके काम करेंगे, ठीक है ना? बट यहाँ पे देखोगे इनका जो जो वादे थे सब एक तरीके से वो काम नहीं आए। 2021 सितंबर में इनका जो पूरा आप देख सकते हो जो एक्शन प्लान था पूरा एक्सपायर हो गया था। वार्निंग इनको बहुत तरीके से दी गई थी एफएटीएफ के द्वारा। फिर बाद में हाल ही में कोई ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिलता आपका म्यांमार की तरफ से, आपको पता है वहां पे तख्ता बुलेट हमें देखने को मिला है। फिर वहां पे हाल ही हाल अक्टूबर 2022 में एक तरीके से इनको अल्टीमेटम भी दिया गया था एफएटीएफ के द्वारा, कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में आप देख सकते हो कि इनको फिर यहाँ पे ब्लैक लिस्टमेंट को दिया गया है। अब ब्लैक लिस्ट का मतलब एक्चुअली में क्या है बेटा, कि अभी आपका जो म्यांमार है ये कोई भी इनको कोई लोन्स नहीं दिया जाएगा, IMF वर्ल्ड बैंक किसी के द्वारा कोई भी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन इनको दिया जाएगा। अब देखो ह्यूमैनिटेरियन के तौर पर तो कोई रोक नहीं सकता है, अब भाई जनता की बात यहाँ पे होती है, बट लोन्स वगैरह आपके हो गए, बिजनेस अग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, वो अब इनको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एफएटीएफ ने इनको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड एक तरीके से कर दिया। एफएटीएफ की बेटा अगर आप बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि ये आपका इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पे बेटा देखने को मिलेगा, तो वो आपको पेरिस में देखने को मिलेगा फ्रांस में। और यहाँ पे जो इनका फाउंडर है वो आपके G7 का, आपके जो कंट्रीज है आपको पता होना चाहिए, आपका US है, कैनेडा है, आपका आपका UK है, आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापानी, सारे आपके मेंबर्स हैं, ये इनके फाउंडर भी है, ठीक है? कब आपका ये बना था, 1989 में बना था। हाल ही के इनके राष्ट्रपति कौन है, तो आपको अध्यक्ष इनके कौन है, तो आपके टी राजा कुमार जी है। और इंडिया का कब मेंबर बना था बेटा, 2010 में बना था, 2006 से ऑब्जर्वर बन के आपका इंडिया बैठा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारी खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, COP27 का आपका यहाँ पे समिट आपका होने वाला है इजिप्ट में। एक तरीके इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपका क्लाइमेट इश्यूज के रिगार्डिंग आपका समिट आपका कराता है, ठीक है? तो 27वां आपका एनुअल आपका यूएन आपका समिट आपका होने वाला, कॉप आपका होने वाला है। कहां पे होने वाला, तो आपका इजिप्ट के शहर शम अल शेख में आपका होने वाला है। 6 से लेकर 18 नवंबर तक आपको पूरा ही आपका समिट आपके होने वाला है। और ये इसी के साथ खास बात यहाँ पे है कि अफ्रीका में अब आपको फिफ्थ टाइम आपको देखने को मिलेगा जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको जो COP27 का एक तरीके से कॉन्फ्रेंस है इसमें अफ्रीका रिगार्डिंग भी बात की जाए, क्योंकि अफ्रीका क्लाइमेट के रिगार्डिंग एक तरीके से अभी भी पिछड़ा हुआ है, काम उतना ज्यादा नहीं कर रहा है, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा ये भी COP27 के मेंबर्स यहाँ पे एक तरीके से डिस्कस करेंगे। लगभग 200 कंट्रीज यहाँ पे इन्वाइटेड है और अपने क्लाइमेट रिगार्डिंग इश्यूज के रिगार्डिंग यहाँ पे वो बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, आपको यहाँ पे बेटा पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि COP27 का आपका जो मीटिंग है ये किन मुद्दों पर यहाँ पे आपका बात करेगा। तो तीन आपके यहाँ पे मेन मुद्दे यहाँ पे रहेंगे, कार्बन एमिशन को यहाँ पे हटाना, ये आपका पहला यहाँ पे मुद्दा है। दूसरा, उन कंट्रीज की हमें मदद करनी है जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको हमें अपलिफ्ट करना है। और तीसरा मुद्दा यहाँ पे ये रहेगा आपके मीटिंग का कि हमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट हमें उन डेवलपिंग कंट्रीज को देना है जो क्लाइमेट इशू के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इन तीन मुद्दों पर कैसे काम किया जाएगा इसी के रिगार्डिंग आपको COP27 आपका मीटिंग यहाँ पे होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अगर हम COP26 की अगर बात करें जो इससे पहले आपका हो चुका है, ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में आपका हुआ था, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे तब के टाइम, तो आप देख सकते हो आपके आलोक शर्मा जी थे। कब आपका हुआ था, 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर आपका 2021 तक आपका चला था। पहला आपको कॉप का समिट हमें कब देखने को मिलता है, हमें 1995 बर्लिन जर्मनी को देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसी के रिगार्डिंग आपके पूरा इनिशिएटिव इनके द्वारा उठाया गया है। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखोगे बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर है कि एंजेला मार्केल जी है, इनको यहाँ पे नानसेन रिफ्यूजी का यहाँ पे अवार्ड दिया गया, ठीक है? बिल्कुल आपने सही सुना है, UNHCR के द्वारा यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का यहाँ पे अवार्ड इनको दिया गया है, यहाँ से नानसेन अवार्ड इनको दिया गया है। ये हमारी पहले आपकी जर्मन आपकी चांसलर रह चुकी है, अब तो आपको बदल गया कि बदल गई है, बदल गए अब तो, एंजेला मार्केल जी, बहुत ही प्रेस्टीजियस आपका अवार्ड है नानसेन अवार्ड। और ये एक तरीके से आप देखो तो उनके लीडरशिप के लिए, करेज और कंपैशन के लिए दिया गया है। आप कह सकते हो इन्होंने एक तरीके से सीरिया में जितने भी हमें रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, सीरिया क्राइसिस तो आपको पता है। इसी के रिगार्डिंग जर्मनी की जो वाइस चांसलर जो पहले एक्स जो रह चुकी है आपका जो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे इनको यहाँ पे दिया गया है, एंजेला मार्केल जी को अवार्ड दिया गया, तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है और यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे खबर है, ठीक है? वापस मैं आपको बताना पसंद करूंगा, आपको ऐसी अगर अमेजिंग कोर्स अगर आपको चाहिए रिगार्डिंग, खासकर अगर आप SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो आपको हमारा बिल्कुल SSB आपको क्रैक एग्जाम का कोर्स आपको बिल्कुल इंटरव्यू कर लेना चाहिए SSB का। और यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, एफोर्डेबल प्राइस,
इफेक्टिव वैल्यू में आपको यहाँ पे कोर्स आपको देखने को मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज बोल सकता हूँ, आपको यहाँ पे बिल्कुल इसको कंसिडर करना चाहिए। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक में। आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि फीफा अंडर 17 आपका जो वर्ल्ड कप है, ये हाल ही में जो वुमेन कैटेगरी का है, ये आपका भारत में आपको देखने को मिला। आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है, 7th एडिशन का आपका जो फीफा अंडर 17 वुमेन का वर्ल्ड कप है 2022 का, ये इंडिया में आपका हुआ है। 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपका चला था ये आपका गोवा, नवी मुंबई, भुवनेश्वर में आपको देखने को मिला है। अगर मैं इसका पूरा रिकॉर्ड देखे तो दो टाइम आपके जो चैंपियन यहाँ पे रहे वो आपके नॉर्थ कोरिया आपके अंडर 17 वर्ल्ड कप में, और अगर मैं इसका आपको पूरा रिजल्ट बताऊं तो स्पेन इसका विजेता रहा है। आपको पता होना चाहिए कोलंबिया को उन्होंने हरा दिया था, उन्होंने भी आप देखोगे तो उन्होंने भी दो टाइम यहाँ पे जीत लिया है, और दो टाइम आपका नॉर्थ कोरिया ने भी आपका अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप लेवल में उन्होंने जीता हुआ है। तो हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबर है, जो आपके इंपॉर्टेंट डेज है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए 11 अक्टूबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड आपका मनाया जाता है। एक तरीके से अवेयरनेस आपकी बढ़ाई जा रही है कि भाई आपके जो गर्ल चाइल्ड है दैट इज ऑल्सो दे आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपकी सोसाइटी में इनकी बहुत अच्छी जगह होती है। आपको पता है कि लड़की और लड़का कंधे से कंधे मिला के आपके चल रहे, कोई भी किससे कम यहाँ पे नहीं है। तो रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द गर्ल्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर सोसाइटी। ठीक है, थीम यहाँ पे क्या था बेटा, तो अवर टाइम इज नाउ, अवर राइट्स, अवर फ्यूचर, ये आपका गर्ल चाइल्ड के लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 2011 में एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका ये अडॉप्ट कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि हम 11 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यहाँ पे मनाएंगे, और गर्ल चाइल्ड को जितना हो सके एक्सेप्ट करवाएंगे सोसाइटी में, क्योंकि आपको पता है कई जगह पे जो गर्ल चाइल्ड को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब बेटा बेटा चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, ऐसा होता था ना। तो इसको हटाने के लिए आपका जो बनाया हुआ प्रिजोडाइज सोसाइटी आपकी जो बनी हुई है, इसको एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए आपके सारे आपके अवेयरनेस डेज आपके वगैरह बनाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक तरीके से हमें एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि OECD ने हाल ही में CARF आपका रिलीज किया है। पहले इसके फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको OECD के नाम से बोला जाता है। इन्होंने अभी टैक्स, नया टैक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है, जिसका नाम है क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आप क्रिप्टो के नाम से थोड़ा समझ होंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, आपको पता है जो डिजिटल करेंसी का आपके एक तरीके से आपका ट्रांजेक्शन होता है, आपका कह सकते हो कि एक जगह से दूसरे कंट्री में एक तरीके से जब ट्रांजेक्शन किया जाता है तो कहीं हमें फ्रॉड देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें। तो इसी के रिगार्डिंग ऐसा ना हो तो यहाँ पे जो G20 कंट्रीज है उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से OECD को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था 2021 में कि आप एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ, एक ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज आप ऐसा बनाओ कि डिजिटल एसेट जो एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आपका यहाँ पे जो शिफ्ट होता है, एक्सचेंज होता है, फुल सिक्योरिटी में हो, फुल एक तरीके से रेगुलेशन में हो। क्योंकि अगर रेगुलेशन में अगर नहीं होगा तो एक तरीके से फ्रॉड हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, कई दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। और अगर हम OECD की अगर हम बात करें, इसका हमें पता फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत आपको 38 कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया यहाँ पे नहीं है, और इसका यही एम है इस आपके ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें पूरे विश्व लेवल पे इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना है और हमें वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा यहाँ पे देना है। अगर आपसे पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये आपका पेरिस में है, और ये आपका कब बना था, तो आपका 1961 आपका 30 सितंबर में आपका बना था। जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारा यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, हाल ही में आपको पता होना चाहिए आपके जो श्रीलंकन आपके जो यहाँ पे मैन है जिनका नाम है शिहान आपका करुण तिलक, यहाँ पे इनको कह सकते हो कि इनको बुकर प्राइज यहाँ पे दिया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना है, इनको यहाँ पे बुकर प्राइज दिया गया है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये आपकी खबर है रिगार्डिंग आपका बुक्स एंड ऑथर्स, ये चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती है। इनको इसी के साथ इनको लगभग 50,000 पाउंड का इनको एक तरीके से इनाम भी दिया गया है। और अगर हम बुकर प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखो दो आपको देखने को मिलेंगे, एक इंटरनेशनल बुकर प्राइस और आपको बुकर प्राइस। बुकर प्राइस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए तो इंग्लिश में आपके लिखते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइस जो अपने किसी भी लैंग्वेज में आपको जो लिखते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में जो लिखते हैं उनको वहां पे दिया जाता है। इनको बुकर प्राइस दिया गया, इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये आपका एक तरीके से आपको लंदन में आपको देखने को मिलेगा, आपका पूरा इवेंट आपका होता है। इसके एक तरीके से कौन आपका ये पूरा बुकर प्राइस के पूरे एक तरीके से आपका आप कह सकते हो कौन आपके रहते हैं, तो बुकर आपका कह सकते हो आपका बुकर मैकिनले लिमिटेड मैन ग्रुप, और ये आपका जितने भी आपके जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका बुकर प्राइस आपको पूरा इवेंट आपको करवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली बार आपका अवार्ड तब गया था आपका 1969 में आपका ये दिया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हाल ही में AFC
एशियन कप 2023 अब आपका कतर में आपका होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये आपका चाइना में होने वाला था बट ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स अब क्या हो गया, ये आपका जो फुटबॉल आपका जो कप है ये अब आपका कतर में होने वाला है, और कतर में आपका फीफा वर्ल्ड कप भी आपका होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो AFC मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ये आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इसने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि भैया ये जो कप है आपका ये अब आपका कतर में होने वाला है। 18th एशियन कप आपका जो कतर में होने वाला है, चाइना में होने वाला था बट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से आपका यहाँ पे संभव नहीं हो पाया। ठीक है, कतर आपका फीफा वर्ल्ड कप भी आपका करा रहे मैन का 2022 का, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कतर का जो कैपिटल है दैट इज दोहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसके रिगार्डिंग आपको जितनी भी जानकारी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी। थोड़ा यहाँ पे AFC एशियन कप का थोड़ा हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक आपका देखोगे ये आपका 1956 में आपको पूरा यहाँ पे आपका फाउंडेशन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। लगभग 24 टीम आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फाइनल्स में एक तरीके से आप देख सकते हो पूरा। और यहाँ पे जो करंट चैंपियन आपको देखने को मिले वो आपको कतर ही है, पहला टाइटल आपको देखने को मिला है, और मैक्सिमम अगर किसी ने जीता है आपका टाइटल AFC कप का तो ये आपका जापान है, 4 बार ये टाइटल आपका जीता हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर आपको हाल ही में देखने को मिलेगा कि US करेंसी में आपको पहली एशियन अमेरिकन देखने को मिलेगी जो फीचर हुई है। आपने बिल्कुल यहाँ पे सही सुना है, एना मे वोंग आपकी पहली एशियन अमेरिकन बन गई है जो US करेंसी में फीचर हो गई है। ये आपकी एक फिल्म एक्ट्रेस थी, ये एक्चुअली चाइना से बिलोंग रखती है, ये 1990 में एक तरीके से चाइनीज इमिग्रेंट आपकी आप कह सकते हो, और ये आपका लॉस एंजलिस में आपकी बॉर्न हुई थी। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक तरीके से अपनी शुरुआत की थी करियर अपना फिल्म इंडस्ट्री में। 14 साल की उम्र में इन्होंने एक तरीके से एज एन एक्स्ट्रा इन्होंने एक मूवी थी द रेड लांटेन, उसमें इन्होंने यहाँ पे काम किया था। ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि US करेंसी में इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे इस करेंसी को भी देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे खबर में देख सकते हैं क्लाइमेट के रिगार्डिंग है, हाल ही में ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट बेटा हमें देखने को मिलता है, बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। ये कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई समिट नहीं है, फिर किसी कंट्री का यहाँ पे कोई आप कह सकते ब्यूरोक्रेटिक लेवल का आपका वो नहीं है, ये यूथ के लिए यहाँ पे आपको पूरा समिट यहाँ पे आपका रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पे नॉन प्रॉफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन है आपका यहाँ पे, जो आपका ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर है ये आपका पूरा यहाँ पे समिट आपका ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था बेटा, बांग्लादेश में हुआ था, 30 अक्टूबर को मैं हुआ था, 3 दिन का आपका ये समिट था, लगभग 650 आपके जो नौजवान थे 70 कंट्री से यहाँ पे आए थे, पार्टिसिपेट किए थे, और यहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट कैसे हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको कमर्शियल लेवल पे हम इसको बेहतरी ला सकते हैं, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे यूथ को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। बहुत बड़ी बात है, अच्छी यहाँ पे खबर है, और यहाँ पे मैं आपको कह सकता हूँ कि क्लाइमेट के रिगार्डिंग तो हमें सही में काम करना ही करना है। मिशन यहाँ पे क्या है बेटा, टू एक्सपेंड द यूथ नॉलेज अबाउट द क्लाइमेट साइंस, क्लाइमेट साइंस के रिगार्डिंग क्लाइमेट को कैसे हम बचा सकते हैं और इसका पूरा फंडामेंटल क्या है, ये चीज हमें यूथ को एक तरीके से उनको हमें नॉलेज देना है, उनको इक्विप्ड करना है, और मैं एक तरीके से लीडरशिप स्किल लाना है कि वो एक तरीके से कभी भी एज ए इंडिविजुअल लेवल, कभी अगर कमर्शियलाइज अगर चीज में जाएंगे, कभी अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे या कोई भी चीज अगर अपना करेंगे तो वो क्लाइमेट के ओरिएंटेड कोई भी काम करे। बहुत अच्छी पहल है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इनके जो आप कह सकते हो जो आपका जो ग्लोबल आपका जो यूथ लीडरशिप आपके जो सेंटर है इनके एक तरीके से आपका आपके फाउंडर CEO कौन है, तो आपके एजाज अहमद जी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो भी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन डेज हमने अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डे हमने बनाया है, 24 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए 24 अक्टूबर 1945 को ही आपका यूनाइटेड नेशन आपका एक तरीके से स्टैब्लिश हुआ था। अभी हमने हाल ही में इसका 77th एनिवर्सरी अभी हमने यहाँ पे मनाया है, एक आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका यही काम है कि डिफरेंट कंट्रीज का हमें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन रखना है, पीस मेंटेन करना है, और हर डिस्प्यूट्स को हमें यहाँ पे हटाने का काम करना है। अभी हाल ही में कितने इसके अभी तक मेंबर है, तो आपके 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे बात करें इसके रिगार्डिंग जो भी हिस्टोरिकल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यूनाइटेड नेशन का जो टर्म है ये एक्चुअली US के जो देन के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इन्होंने यहाँ पे नाम रखा था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलता है अगर आप देखोगे तो 1 जनवरी 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला, एक्सेस पावर वर्सेस अलाइड पावर, उसी के बाद ये भाई वॉर ना देखने को मिले तभी यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आपके इधर से स्टैब्लिश हुआ था रिगार्डिंग पीस और डिस्प्यूट हटाने के लिए आपके पूरा स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेटा न्यूयॉर्क में है, सेक्रेटरी जनरल अभी के हाल ही में कौन है आपके एंटोनियो गुटेरेस जी है जो आपके एक तरीके से पुर्तगाली है, ये आपको पता होना चाहिए। हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील के हमें नए प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है
लुला डे सिल्वा, ये आपके एक लेफ्टिस्ट पार्टी के एक तरीके से लीडर है, वर्कर पार्टी यहाँ पे इनको एक तरीके से लेफ्ट पार्टी वहां की है, ये आपके बन गए लगभग 39th आपके प्रेसिडेंट आपके बन गए ब्राजील के। इन्होंने भैया जो बोल्सोनारो जो थे उनको यहाँ पे डिफीट कर दिया है और अब ये आपके बन गए ब्राजील के प्रेसिडेंट, ठीक है। इनका ये आप देख सकते हो, ये आपके ऑलरेडी 2 टर्म के लिए आपके बन चुके हैं, 2002 से लेके 2010 तक आप देखोगे तो आपके ऑलरेडी प्रेजेंट ये रह चुके थे, बट इन्होंने आप देखो इन्होंने वापस से यहाँ पे जीत दिया है। बिल्कुल आपने सही सुना है। और यहाँ पे देखो तो बेटा इनका री इलेक्शन हुआ था, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे पहले यहाँ पे कोई नतीजा नहीं निकला था, फिर डायरेक्ट रन ऑफ की वजह से, मतलब यहाँ पे एक संविधान जो ब्राजील का कहता है कि अगर कोई नतीजा नहीं निकला है तो फिर वापस से रिलेक्शन करा सकते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ इसको बोलते हैं। उसके तहत यहाँ पे देखोगे तो इनको लगभग 50.9% इनको वोट शेयर यहाँ पे दिया गया था, और आपका जो लगभग जो बोल्सोनारो जी है इनको यहाँ पे 49% अराउंड समथिंग इनको दिया गया था। और इसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो आपका जो जो लुला जी है इनको यहाँ पे आपका प्रेजिडेंट यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट खबर थी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इंडिया भी कई बार आ चुके हैं रिपब्लिक डे में, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो न्यूज इंटरनेशनल लेवल पे अक्टूबर मंथ में टॉप 20 मैंने यहाँ पे आपको बता दिया रिगार्डिंग एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है। आपको अगर ऐसी अमेजिंग कोर्स चाहिए और अगर आपको एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको हमारा इंटरव्यू कोर्स आपको लेना चाहिए, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको इसको बिल्कुल कंसिडर आपको बिल्कुल करना चाहिए। ऐसी अमेजिंग कोर्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एनडीएफएस सीडीएस जितनी भी आपके जो डिफेंस रेट एग्जाम्स है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो, बहुत ही इफेक्टिव लेवल पे आपकी यहाँ पे तैयारी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट डोंट फॉरगेट कि अगर आप कोई भी कोर्स अगर ले रहे हो तो आपको वॉरियर 10 कोड का आपको बिल्कुल इस्तेमाल करना है और एक तरीके से आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।